नमस्कार भगवान भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हाँ, मैं जो है आज आप लोगों के सामने जो है हमारा स्प्रे शेड्यूल है उसका जो सेकंड पार्ट वो डिस्कस करना करने जा रहा हूँ। और पहले एपिसोड में हमने जो है सेब के पौधे को बीमारियों से बचाने के लिए जो है स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात कर रहा था, और आज के वीडियो में जो है हम जो सेब के पौधे को माइट और सेनोस्केल जैसे कीट और नाशक कीट और माइट की रोकथाम के लिए क्या क्या स्प्रे शेड्यूल है उसके बारे में वन बाय वन जो हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही निवेदन करूंगा आप लोगों से कि जो है कम से कम जो है लिमिटेड और जो जरूरत की है वही स्प्रे जो है आप करें आपके सेब के पौधे में। जो हर तरह के जो विभिन्न तरह के मार्केट में जो भी मिल रहे हैं केमिकल दवाइयाँ उसका जो है देखा देखी में ज़्यादा जो है स्प्रे ना करें। तो चलिए सबसे पहले आपका जो है हरा इंच आधा इंच हरी कली, हाफ जो है आपका लीफ जब निकलने स्टार्ट हो जाता है ग्रीन टिप उस स्टेज पे हमने कौन सा स्प्रे करना है, आधा इंच हरी कली के स्टेज पे जो है हमने हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल HMO का जो है आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये लेना है आपने 4 4 लीटर जो है आपके 200 लीटर पानी में। वैसे एग्जैक्ट तो ये है कि 4 लीटर पानी 4 लीटर दवाई के साथ जो है आपने एक 196 लीटर पानी में घोल बनाना है, तब से जो है पूरा 200 लीटर का जो है घोल बन के तैयार हो जाएगा और उसका जो आपने स्प्रे करना है। ये आपके सेनोस्केल और माइट से बचाता है। और आता है दूसरा स्टेज ग्रीन गुलाबी कली पिंक बर्ड स्टेज में जो है आप थायोक्लोरोफिट का जो है 100 ml जो स्प्रे कर सकते हैं। थायोक्लोरोफिट ब्रीड में जैसे आपके अलांटो हो गया उसका जो है आपने 100 ml जो है 200 लीटर पानी में मिक्स करके इसका स्प्रे करना है। ये थ्रिप्स से आपके सेब के पौधे को बचाता है। और तीसरा स्टेज आ जाए पंखुड़ी बाद, इस स्टेज में जो है आप जो ऑक्सी जो स्पायरोमेसीफेन जो है करना है तो 60 ml और हेक्सी थायोजॉक्स करना है तो 200 ml और ऑक्सीडेमेटन मिथाइल जो कि आपका मेटासिस्टॉक्स है उसका करना है तो 200 ml और मेलाथियोन का करना है तो 200 ml 200 लीटर पानी में इसका गोल बना के जो आप स्प्रे कर सकते हैं। और चौथा चौथा स्टेज आता है फल विकास जो है जब वॉलनट स्टेज पे जो होता है सेब उस स्टेज पे आपने या फेंजा क्वीन करना है तो 50 ml और पाइपर जाइट करने तो 200 ml और हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल के करेंगे तो 2 लीटर, मतलब उसका जो है हाफ। पहले हमने 4 लीटर करा था अब यहाँ पे करना है आपने 2 लीटर का स्प्रे करनी है 200 लीटर पानी में। और उसके बाद जो है कि फल डेवलपमेंट अखरोट के स्टेज के बाद जो है 15 20 दिन बाद जो है आपने करना है हेक्सी थाइजॉक्स 200 ml और स्पायरोमेरिसोफेन करेंगे तो 60 ml इन 200 लीटर वाटर में। उसके बाद जो 20 दिन बाद फिर आपने फेंजाक्विन करेंगे तो 50 ml या पाइपरजाइट करेंगे तो 200 ml। और फल तोड़ने से प्रूफ बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट 20 से 25 दिन हार्वेस्ट करने से पहले आपने जो है मेलाथियन का कर सकते हैं 200 ml, अगर वो नहीं हो तो ऑक्सीडेमेटन मिथाल जो मेटासिस्टर 200 ml वो लेना है 200 लीटर पानी में। और फल तोड़ने के बाद आफ्टर हार्वेस्ट जो है आपने क्लोरोपाइरीफॉस जिसमें आपके डर्मेरिया का मासबान हो गया उन जो है स्प्रे कर सकते हैं 400 ml कर लेना है 200 लीटर पानी में और इसका जो है गोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं। ये जो वूली एप्पल एपिड के लिए बहुत ही लाभदायक होता है।
तो ये था आज हमारा सेकंड एपिसोड स्प्रे शेड्यूल का। ये सेब के कीट और माइट की रोकथाम के लिए है। तो इसमें जो है आप इस तरह से जो है स्प्रे शेड्यूल का फॉलो कर सकते हैं। और लोग जो है HMO की जगह TSO भी यूज़ करते हैं। TSO का वैसे ना करें तो सही रहेगा, क्योंकि TSO जो है आपका ट्री स्प्रे ऑयल, ये आपके इस जो सेनोस्केल के जो कीड़े हैं उनको तो मारेगा ही, साथ में जो आपके अच्छे जो कीड़े होते हैं जैसे हनी बी हो गया, या और भी जो हेल्पफुल जो हमारे सेब के पौधे के पॉलिनेशन के लिए और भी की जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी जो है हार्म करता है। तो इसलिए जो है ये हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल को जो है ज़्यादा बेटर ऑप्शन मानते हैं एज कम्पेयर टू ट्री स्प्रे ऑयल। तो आप जो है हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और बाकी मेरा यही निवेदन है आप लोगों से, जो टाइम पे जो है आप अपने सेब के पौधे का केयर करें और टाइम पे प्रूनिंग स्प्रे और खाद सारा कुछ जो है टाइम पे दें, और जो है अननेसेसरी इधर देखा देखी में जो है स्प्रे ना करें। और कुछ लोग जो ऑयल के साथ क्लोरो का मिक्स क्लोरो मिक्स करके जो स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि क्लोरो जो है इंसेक्टिसाइड है, और ये जो ऑयल जो है ये भी जो है आपके जो माइट और सेनोस के लिए कीड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारते हैं। तो इसलिए जो है इंसेक्टिसाइड क्लोरो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो आप जो है क्लोरो का मिक्स ना करें, खाली जो है ऑयल का स्प्रे करें, वो भी बहुत काफ़ी होता है, ये जो है कीड़े को मार देती है। तो जो है क्लोरो ना मिक्स ना करें, क्योंकि आजकल लोग देखा देखी में जो है ऑयल के साथ जो है क्लोरो डाल के स्प्रे करते हैं, वो आपका वेस्टेज है और कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक, और थैंक यू।